हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, दिस इज योर वॉन्डर जे। तो भाई आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके, थंबनेल लेके समझ ही गए होगे क्या कर रहे हैं। तो भाई कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों बाइक्स का, जो कि है एक तरफ ट्राइम स्पीड 400, एक तरफ हमारी रॉयल एनफील्ड गोयला 450। दोनों ही एक सेम सेगमेंट में आ जाती है, तो दोनों को आज कंपेयर करेंगे डिटेल में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो पे बने रहना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तुरंत सबसे पहले आपको पता लगे। और अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, इनके सारे स्पेक्स की, आगे से चल के पीछे तक सब कुछ कवर करेंगे, डिटेल्ड रहेगी वीडियो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए। तो अब बने रहो वीडियो में और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पावर परफॉर्मेंस को लेकर। तो सबसे पहले करेंगे इंजन की बात। इंजन में सबसे पहले है हमारी रॉयल एनफील्ड गोयला 450, जिसमें आता है एक 452cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 39.47 bhp ऑफ पावर और 40 nm ऑफ टॉर्क। वहीं जो हमारी ट्रायम्फ स्पीड 400 है, वो है 398cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 39.5 bhp ऑफ पावर और 37.5 nm ऑफ टॉर्क। तो लोडो टॉर्क में डिफरेंस आ रहा है, टॉर्क में पूरा 2.5 nm का डिफरेंस आ जाता है, जहां पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी महसूस होगी आपको। तो ट्रायम्फ में अगली जो हमारी वीडियो है जो ड्रैग रेस है, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या कमी महसूस हो रही है, किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बात कर लेता हूँ अब इसकी टैंक्स की। तो भाई दोनों ही बाइक्स में एक हमारी जो ट्रायम्फ स्पीड 400 है उसमें मिल जाता है 13 लीटर्स का टैंक, वहीं जो हमारी रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 है उसमें आपको मिल जाता है 11 लीटर्स ऑफ टैंक। इसमें भी टैंक इन्हें थोड़ा बड़ा देना चाहिए था, ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मस्ती कर ली तो भाई इन्हें यहाँ पे भी 13 लीटर्स देना चाहिए था। 11 लीटर थोड़ा सा कम हो जाता है अगर आप लॉन्ग रूट पे निकले हो, तो ऐसे ही उसमें 13 लीटर्स दिया तो बहुत अच्छी बात है। बात कर लेता हूँ भाई इसके ट्रांसमिशन टाइप की। तो भाई ये है 6-speed मैनुअल बाइक दोनों ही। बात कर लेता हूँ गियर शिफ्टिंग पैटर्न्स की। तो दोनों ही बाइक्स में 1 down 5 up गियर शिफ्टिंग पैटर्न्स मिल जाता है। बात कर लेता हूँ दोनों के ही क्लच की। तो दोनों ही बाइक्स में असिस्ट और स्लिपर क्लच आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाती है। आप जब गियर चेंज करते हैं तो व्हील लॉक नहीं होता है, आप अच्छे से वो अपनी बाइक को कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से। ठीक है भाई, तो अब बात कर लेते हैं आगे से, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बाइक, दोनों ही बाइक्स को, दोनों को ही एक बार डायग टू डायग कंपेयर करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सस्पेंशन की। तो हमारी जो रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 452cc इंजन है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक टेलीस्कोपिक फोर फ्रंट में, जैसे कि देख सकते हो। वहीं जो हमारी स्पीड 400 है, वो हमें प्रोवाइड करती है 43 mm का अपसाइड डाउन बिग पिस्टन फोर्क विद व्हील ट्रैवल, 140 mm ऑफ व्हील ट्रैवल, जैसे कि देख सकते हो। वहीं बात कर लेता हूँ रेयर सस्पेंशन की। तो रेयर बाइक्स में दोनों में ही आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, इस बाइक में भी विद प्री लोड एडजस्टेबिलिटी, और यहीं पे गोरिल्ला भी मिल जाती है जिसमें वही सेम मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं विद प्री लोड एडजस्टेबिलिटी। बात कर लेते हैं व्हील्स की। तो भाई दोनों ही बाइक्स में चारों ही व्हील्स आपको एलॉय मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं अब दोनों के ही टायर्स की। तो पहली जो हमारी गोरिल्ला 450 है, उसमें फ्रंट में मिल जाता है आपको 120/17 इंच सेक्शन का R17 टायर। वहीं जो हमारी स्पीड 400 है, उसमें आपको मिल जाता है 110/17 सेक्शन का R17 टायर। बात कर लेता हूँ रेयर की टायर्स की। रेयर एक बार आप आके मुझे दिखा दो। तो रेयर में आपको मिल जाता है 160/17 सेक्शन का R17 टायर। वैसे ही बात कर लेते हैं स्पीड 400 की, उसमें आपको मिल जाता है 150/17 इंच सेक्शन का R17 टायर। तो दोनों के ही टायर सेम है, दोनों की परफॉर्मेंस में कोई ऐसा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं इस चीज़ को लेके। बात कर लेता हूँ हेडलाइट सेटअप की। तो भाई दोनों ही बाइक्स में LED सेटअप आपको मिल जाता है, LED हेडलैम्प विद LED इंडिकेटर्स हमारी स्पीड 400 भी हमें प्रोवाइड कर रही है। वही जो हमारी गोरिल्ला 450 है, उसमें भी LED हेडलाइट विद LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। बात कर लूँ इसके टेल लाइट्स की, तो यहाँ पे टेल लाइट्स थोड़ी सी डिफरेंट है वहाँ से, ताकि इसमें आ जाते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। यही इसकी टेल लाइट है, यही इसके इंडिकेटर्स है, बहुत प्यारा लगता है, एक बार चला के दिखाऊंगा। तो भाई धूप इस समय ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हो यही है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्यारा लुक मिल जाता है, एक सुपर बाइक वाली फील लगी। बात कर लेता हूँ इधर आके, तो इधर वही नॉर्मल सेटअप है, एक बड़ी सी टेल लाइट दी है और दो इंडिकेटर दी है जो कि LEDs है। तो भाई जो हमारी ड्राइव स्पीड 400 है वो ऑफर कर रही है 790 mm की स्पीड, जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे बैंड कितना ज़्यादा था, यहाँ पे बैंड बहुत कम हो गया। प्लस इसकी पोजीशनिंग की बात कर लो, तो भाई जब आप इसे राइड करोगे तो इसकी पोजीशनिंग बहुत ही अच्छी है, आपको एक स्पोर्टी लुक फील होगा। वहीं पे जो गोरिल्ला है उसमें स्पोर्टी लुक वैसा फील नहीं होगा जो इसमें फील हो रहा है। तो आप जब जाओ शोरूम से तो दोनों ही बाइक टेस्ट करो, दोनों में से जो पसंद आए वो लो। और बात कर लेते हैं भाई दोनों के ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की। तो एक बार इधर से आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है हमारे गोरिल्ला 450 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे एक पूरी ही डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें आपको सारी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये डिजिटल डिस्प्ले है, यहीं पे आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी, यहीं पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीड मिल जाएगी, रेंज आपको यहीं पर मिल जाएगी, उसके बाद टाइम भी मिल जाएगा, टेम्परेचर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहीं पर बात कर ली जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो भाई जो हमारी गोरिल्ला 450 है वो कहीं ना कहीं दो राइडिंग मोड्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक
डीमेरिट है इस बाइक में, ताकि ये बाइक कोई भी मूव प्रोवाइड नहीं कर रही है। हमारी गोली का पोस्ट की परफॉर्मेंस और इको मोड दोनों की है जो स्पीड सुटेबल है। वही बात कर लेता हूँ क्राइम स्पीड 400 की, तो उसमें ऐसा भी कोई मोड नहीं है जो कि सुटेबल है, बट उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, लेकिन बाइक में नहीं आता है। भाई बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के बटन की, जो कि हैंडल बार पे दिए गए हैं, तो यहीं पे वो सारे आरी के टिपिकल बटन है जो कि अब थोड़े रीडिजाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम पास का बटन मिल जाएगा, इंडिकेटर्स का बटन मिल जाएगा, हॉर्न का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे एक जॉयस्टिक दी है जिससे आप ये डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, आप अपनी ट्रिप्स को यहीं से स्विच कर सकते हो, ट्रिप पे ट्रिप भी आपको रीसेट करनी है वो कर सकते हो, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए या फिर एनालॉग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हो सकती है। परफॉर्मेंस और इको मोड जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे एक मोड बटन है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो अभी ये परफॉर्मेंस में है और यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इको मोड हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं इस बाइक में। वही अगर उसकी बात कर लेता हूँ और दो तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे वही सेम इग्निशन बटन, यहाँ पे वही सेम हजार्ड इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इधर बात कर लेता हूँ आके, तो यहाँ पे एक सेमी डिजिटल मीटर कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाती है, एनालॉग मीटर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएगी, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन लाइट, न्यूट्रल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले में दिख जाएगा बाइक कौन से गियर में है। उसके बाद आपको इग्निशन ऑफ, साइड सेंड, फ्यूल इंडिकेटर्स, RPM सब कुछ यहीं पे शो हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके बटन्स की क्वालिटी मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी पर्सनली, ताकि रॉयल एनफील्ड की थोड़ी सी बेटर लगी। यहाँ पे एक आई बटन दिया गया है जिससे आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वही नॉर्मल सा इंडिकेटर बटन दिया गया है। वहीं यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम के लिए दिया गया है, यहाँ पे इग्निशन बटन दिया गया है, यहाँ पे हजार लाइट दी गई है, ये सारी चीज़ें इस हैंडल बार के हैं इस समय। तो भाई बात कर लेते हैं अब दोनों के ही प्राइसिंग की, दोनों के ही वेरिएंट्स की। तो ये जो हमारी गोरिल्ला 452cc इंजन है वो हमें प्रोवाइड करती है तीन मॉडल, जिसमें आते हैं फ्लैश, डैश और एनालॉग। जो इस समय हमारे पास प्रेजेंट है वो एक फ्लैश मॉडल है, और वहाँ पे जो हमारी स्पीड 400 है वो एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है। इसमें यही एक मॉडल आता है इस वेरिएंट में, इसमें कलर्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको कलर्स भी मिलेंगे और मॉडल्स भी डिफरेंट होंगे। तो बात कर लेते हो प्राइसिंग की, तो इन दोनों की प्राइसिंग में कहीं ना कहीं 1,000 या 2,000 रुपये का अंतर होगा एक शोरूम पे अगर जाओगे, बाकी कुछ अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये बाइक परचेस करनी है तो मैं दोनों ही शोरूम का डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हो। अगर आप मेरा नाम लोगे कुछ अच्छे डिस्काउंट तब भी मिल सकते हैं, तो जाके उन्हें जरूर बताना कि वॉन्डर जाए की वीडियो देख के आए हो कंपेयर करने के लिए कौन सी अच्छी है। बात कर लेते हैं भाई मुझे पर्सनली कौन सी पसंद आई, तो पर्सनली अगर मैं जाऊँ तो भाई पर्सनली दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी पावर और परफॉर्मेंस, एक आपके लुक्स पे। तो लुक्स को मैं जज नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं पावर और परफॉर्मेंस को लेकर चलूंगा। तो भाई जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है ड्रैग रेस बिटवीन दीज टू बाइक्स, उसमें आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस चीज़ परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है ताकि पावर और परफॉर्मेंस एक चीज़ होती है जिस पे हम जज करते हैं, लुक्स पे हम जज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर मुझे स्पोर्टी लुक चाहिए तो मैं इस बाइक पे जाऊंगा, कहीं ना कहीं अगर मुझे थोड़ी रोस्टर फील चाहिए तो मैं इस बाइक पे जाऊंगा, बट पावर और परफॉर्मेंस सबसे पहले लूंगा दोनों ही बाइक्स को देख के। तो आप एक बार कंपेयर करो और एक बार खुद चला के देखो कि आपको क्या फील हो रहा है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ आगे आने वाली वीडियोज में आपको पता लग जाएगा कि पावर परफॉर्मेंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो भाई यही मेरी आज की वीडियो थी, इन दोनों के बारे में डिटेल चीज़ें मैंने आपको बताई है। वही चीज़ अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, गाली मत देना और मेरे को मत देना, वो किसी को भी मत देना, कभी देनी भी नहीं चाहिए, बाकी पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा जो बेस्ट डिटेल। अगर आपको कोई डिटेल गलत मिल रही है तो उसको करेक्ट करके भी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। टिल देन कीप राइडिंग सेफ राइडिंग, वियर हेलमेट ऑलवेज, एंड आई सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।